अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिसाब पाकिस्तान टीवी। मैं हूं वसीम अब्बास। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद, वीडियो पैगाम जारी कर बनाने का मकसद ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़ायज़ ईसा को कुछ हम बता सके। ये कागज़ इसमें मैंने आज लिख के रखा है, मुझे याद था लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखा सकूँ। ठीक है, इसमें एक कानून है और कानून ताज़रात पाकिस्तान के तहत दफ़ा 298B और 298C के तहत आदयानी अपने झूठे मजहब की इशाहत नहीं कर सकते हैं। क्या ये कानून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं मालूम? क्या इस कानून से ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाइलम है? क्या इसको नहीं पता कि ये कानून पाकिस्तान में मौजूद है? तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हर पाकिस्तानी को हक है अपना मज़हब और इबादत करने का? इनको कोई हक नहीं है। कादियानी इस दुनिया का बदतरीन काफिर है और ये हमारे असेंबली से पास शुदा कानून है। आपने कैसे सोच लिया कि हम पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? और जब तक ये लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपना मज़हब जाहिर नहीं करेंगे, हम इनको अकलियत में भी शामिल नहीं कर सकते। आपको पता नहीं किसने बनाया, मेरे मुँह में तो गालियाँ आ रही हैं आपके लिए, तुम्हारे लिए, आपका लफ्ज़ भी तुम्हारे लिए। जना मैं नहीं समझता कि तुम्हारे लिए आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। तू है क्या चीज़ ये कानून बदलने वाला? तू एक कठपुतली नजर आ रहा है हमें अभी। तुम्हें क्या, तुमने क्या कानून नहीं पढ़ा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने बैठे हो, पता नहीं किस बेवकूफ के बच्चे ने तुम्हें बना दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्या ये कानून तुम्हें नहीं पता 298B और 298C का? कि कादियानी जब तक अपना इकरार नहीं करते कि हम काफिर हैं तो अकलियत नहीं मिल सकती उनको। आप उनसे लिख के ले लें कि कादियानी काफिर है, काफिर तो हैं, आप उनसे लिख के भी ले लें, जब इनके इनको जो है ना अकलियत मिलेगी। पता नहीं किसने ला के खड़ा कर दिया यहाँ पर, बिठा दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पे। पता नहीं किस बेवकूफ़ के बच्चे ने आपको बिठाया इस कुर्सी पे। अब मुझे गिरफ्तार करने तो कर लो, कोई मसला नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खातिर, अपने दीन की खातिर हम गिरफ्तारियां देंगे आपको। नालती इंसान, इस तरह नहीं चलेगा तुम्हारी कोई। तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है, ये तुम्हारे बाप का मजहब है। इस मजहब है दीन इस्लाम में, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेगा वो काफिर और जंदीक है। अगर तू भी इनकी हिमायत करता है, तू भी इनकी काफिर और जंदीक कहलाएगा, काफिर कहीं गए। देखो भी, मैं अपने प्यारे पाकिस्तानी भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह तुम लोग अपने दो टके के लीडर के लिए निकलते हो ना, कोई इमरान खान जैसे के लिए निकलता है, कोई नवाज शरीफ जैसे गंजे के लिए निकलता है, कोई जरदारी जैसे बकरी चोर के लिए निकलता है, तो मैं आपको दरख्वास्त है आप लोगों से कि भाई खुदारा आप लोग अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर निकले और पाकिस्तानी होने का भी सबूत दे। अपने दो टके के लीडर के लिए तो आप लोग अपना बच्चे पेश कर रहे हो। क्या हमारे लीडर नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हमारे लीडर नहीं है आज जस्ट इफ इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कि ये इस तरह बात कर सके? कौन से हक की बात कर रहा है? इसको पता भी है कि हक क्या है? हक ये है हमारा कि ये लोग काफिर है और ता हयात काफिर है। ये लोग बात करता है, इनको हक है? किस हक की बात कर रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं है। 298B और 298C पढ़ लेना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, गधे कहेंगे। मैं तुम्हें आज के बाद गधा बोलूंगा, गधा है तू। देखो भाई, मैं अपने प्यारे पाकिस्तानियों से फिर से कहूंगा कि आप लोग निकले और भरपूर एहतजाज करें। सबसे पहले मैं निकलूंगा और आप लोग भी आइए। शुक्रिया पाकिस्तान।